लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे शारदा बहन, दोपहर हो गई और तुम अभी यहीं? तूफान आया था इसलिए रुक गई थी, कुछ बीती बातें याद कर रही थी। अरे भूल जाओ बीती बातों को बहन, सारी जिंदगी भर की तपस्या सफल हुई कि नहीं हुई, हाँ कि ना? हाँ, लगता है कुछ रास्ते तय हो गए। पर एक बात कहूँ मैं, तुमने राम को जिस रास्ते पे डाला है ना, उसमें बड़ा खतरो है, वरने तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आवे उसके। उन दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए तो भेजा है मैंने अपने राम को। हर ट्रक और गाड़ी की चेकिंग होगी। किसकी हिम्मत है जो बीबी रोडवेज के ट्रकों को रोक सके? रुकिए प्लीज, गाड़ी रोकिए, गाड़ी की तलाशी लेनी है। ये क्या बदतमीजी है? पहचाना नहीं आपने हमारे जीजा जी को? शहर की बहुत बड़ी हस्ती है विशंबर सेठ और भानु सेठ। लेकिन आज चेकिंग का ऑर्डर है सर। अरे 15 साल से किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि हमारी कार या ट्रकों की तलाशी ले सके। 4,000 ट्रक चलते हैं हमारे बीबी रोडवेज के नाम से संपूर्ण भारत वर्ष ऑल इंडिया ओवर। मैं जानता हूँ, लेकिन ठीक है। कमिश्नर कश्यप साहब कहाँ है? हमारे दोस्त है कमिश्नर साहब, क्लोज फ्रेंड, जिगरी दोस्त। पांडे। यस सर। इन्हें बता दीजिए कि पुलिस में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही रिश्तेदार। अरे अरे बेटे राम राम राम। चेयरमैन, इन्हें गाड़ी से उतारिए और गाड़ी की पूरी तलाशी लीजिए। और अगर हम बाहर ना आए तो हम वही करेंगे जो पुलिस करती है। तो क्या करेंगे आप? हमें धक्के मारेंगे है? नंगा करेंगे, चाटा मारेंगे? मैं क्या करूं? एक मिनट। अरे कश्यप साहब। अरे विशंबर भाई, क्या बात है? अरे कश्यप साहब खूब आए, जरा समझाइए ना। अरे भाई ले लेने दो इसको तलाशी, ये हमारा पुलिस ऑफिसर बड़ा जिद्दी है, अगर इसका बस चले तो मेरी तलाशी ले ले। लेकिन कश्यप साहब हम शरीफ आदमी हैं। टोटल शरीफ। अरे भाई तो शरीफ आदमी को तलाशी देने में क्या शर्म? असल में यार इस बॉर्डर एरिया में केसरिया विलायती और सरजॉन की स्मगलिंग इतनी बढ़ गई है कि राम ने और हमने कसम खा ली कि इन दोनों सालों को तो इनकी नानी याद दिला दें। क्यों राम? वो कुत्ते का पिल्ला हमारे सामने गुर्राने लगा है। देखिए सेठ जी, मैं आपका हमदर्द हूं, मेरी बात मानिए। 3-4 महीने के लिए आप अपना 2 नंबर का धंधा सर जॉन जैसे आदमी के साथ बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो क्या हम अपने करोड़ों का नुकसान कर ले? लेकिन सेठ जी, जेल जाने से तो बेहतर है। कौन भेजेगा जेल हमें, वो पिद्दा? लेकिन भाई साहब, वो राम अपनी पुरानी दुश्मनी निकालेगा ना। निकालने दो, हम भी देख लेंगे। हाँ, केसरिया विलायती का बॉस सर जॉन, अगर ये पकड़ा गया राम, समझ लो सब पकड़े गए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अब आपको क्या हो गया? क्या हुआ? विविया। विविया? हाँ, सर जॉन की पार्टनर। हो? सर जॉन वाली। अरे रे रे रे। हेलो, हाँ सर जॉन जी, गुड मॉर्निंग, मैं विशंबर। विविया, मैं विविया बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर जॉन, ने पूछा है हमारा माल अभी तक मंजिल पर क्यों नहीं पहुंचा? मैडम, हम बरसों से आपके साथ धंधा करते आ रहे हैं, पहले कभी ऐसे कुछ देर हुई है? इस बार जरा कुछ तकलीफ में आ गए थे। तकलीफ को दूर कीजिए,
सर्जन को तो आप जानते ही हैं। हाँ जी। नुकसान करने वालों को सर्जन अपना दुश्मन समझते हैं। अरे माधुर, इस राम प्रताप का कुछ करो, वरना ये सर्जन सर्जन हमारा सर काट देगा भैया। ऐसा नहीं सोचते जीजाजी। और क्या सोचो? हाँ, मेरी बात मानिए, मेरा तरीका अपना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करें जीजी, लड़ाई करें? औरत के दिल से कैसे खेला जाता है ये भी नहीं सीखा आपने? शिवचरण भैया। हाँ जीजी। जरा इधर तो आओ। उम्र के साथ साथ आदमी को अपनी गलती का एहसास तो होता ही है ना बहन जी। विशंबर भानु और राम लखन में तो खून का रिश्ता है। इस रिश्ते में दुश्मनी लाख सही, पर अंत में प्यार में ही बदल जाती। इसीलिए विशंबर भाई साहब और परम बहन जी ने बड़े हिचकते हिचकते आपको ये साड़ियों का तोहफा भेजा है। देखिए ना बहन जी, आज राम की कामयाबी पर उन्हें भी बेहद नाज है। आखिर चाचा है उसके। यहाँ रख दीजिए, अब जाइए। देखिए ना बहन जी, आपस में मिलने जुलने से ये गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। और वैसे देबू भी अमेरिका से वापस आ रहा है। मैं जाऊं? जाइए। जय हिंद बहन। उसने तो तुम्हारे भाई को चाय तक नहीं पूछी, पानी तक नहीं पूछा। साड़ियां तो रख ली ना उसने, अब देखना क्या असर पड़ता है। क्या असर पड़ेगा? भाई साहब, भाई साहब, रुक जाओ विशंबर, वही रुक जाओ। मेरी एक बात आज ध्यान से सुन लो, मेरे पति ठाकुर प्रताप सिंह आज भी मेरे लिए एक जीवित आत्मा है। उनकी अस्थियों का कलश आज भी मेरे पास है। वो अस्थियां अभी तक गंगा में बहाई नहीं गई हैं। मेरे पति के खून के छींटे जो मेरी चुनरी में लगे थे, उसे अभी तक मिटाया नहीं मैंने। तो तुम हमें धमकाने आई हो? नहीं, समझाने, ये समझाने कि जिन रिश्तों का खून तुम कर चुके हो, उसे अपने दौलत के सिक्कों से दोबारा जिंदा करने की कोशिश मत करना। एक विधवा के दिल में बरसों से जलती हुई आग पर तेल डालने की कोशिश मत करो। राम लखन एक जख्मी औरत के दो हथियार हैं। उनसे दूर रहना विशंबर, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो लंकापति रावण का हुआ था, क्योंकि इन हथियारों का नाम भी राम लखन है। नागिन अपने जहरीले दांत दिखाने लगी है भैया। क्या बात है माँ, तो घंटों इस मंदिर में बैठी रहती है क्यों? कोई बात नहीं, ऐसे ही मन हल्का हो जाता है। इस बक्से में है क्या माँ, जो तू ना हमें हाथ लगाने देती है ना खोलती है? कहा ना, तेरे पिताजी की निशानी है, मेरा मंगलसूत्र है, मेरा सुहाग है। तो इतना सोचती क्या है माँ? मैं जो सोचती हूँ, तूने कभी सोचा है? इसके बारे में? लखन के बारे अरे में। अरे लखन, बेचारे को अभी तक नौकरी नहीं मिली। सब ठीक हो जाएगा माँ। आज शिवरात्रि है, मंदिर जाना था, पता नहीं कहाँ चला गया।
सुबह से गायब है। गया होगा अपने दोस्तों के यहाँ, करा होगा 1 2 4 4 2 1। क्या मतलब? अरे माँ, 4 2 1 का मतलब होता है हेरा फेरी 400 BC। क्यों ऐसा कहता है? देख लेना, एक दिन मेरा लखन राम बनकर दिखाएगा। माँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरा भाई मुझसे भी बड़ा बने। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन माँ,